नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद आगरा महानगर विपिन ने मनाया स्थापना दिवस। इस स्थापना दिवस में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने महाआरती कार्यक्रम चमन चौराहा सुभाष बाजार से निकालकर सीड गली पर हनुमान चालीसा का पाठ कर महाआरती कर प्रसाद का वितरण किया और श्री राम मंदिर का निर्माण कराने का संकल्प लिया। महानगर कार्यकारी अध्यक्ष गजेंद्र गर्ग ने बताया कि स्थापना दिवस 1964 में जन्माष्टमी के दिन मुंबई के एक आश्रम में किया गया था। इसी परंपरा को लेकर हिंदू परिषद के लोगों ने मिलकर कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें अध्यक्ष गजेंद्र गर्ग, बाके बिहारी अग्रवाल, कृष्ण परासर, अमित शर्मा, हरीश सोनी, शाहिल आनंद, विक्की पंडित, अरुण मुकेश, जोड़ी ईश्वर प्रसाद, शैलेंद्र जैन आदि मौजूद रहे। राम जन्मभूमि के लिए राम जानकी रथ यात्रा लालकृष्ण आडवाणी ने निकाली, उसमें जो हिंदू बहनों का और जो जो लड़के चल रहे थे, बुजुर्ग चल रहे थे, उनकी रक्षा कैसे करवे, इसके लिए उन्होंने पुलिस से संपर्क करा कि हमारी यात्रा का सुरक्षा का काम पुलिस करे। तो पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने कहा कि हम तुम्हारी इतनी बड़ी यात्रा का सुरक्षा नहीं देख सकते, आप अपना देखिए। तब एक तरुणा का आह्वान किया गया, एक युवा ने बुलाए गए कि इस यात्रा की सुरक्षा का काम दिया जाए। तो जो लड़के आए थे, जो युवा आए थे, अब वो संग चल रहे थे, तो किसी की मजा नहीं थी कि हमारी बहन बेटियों की तरफ देख सके। अब उन लड़कों का नाम क्या रखा जाए, कि कोई कह रहा है कि नाम रखो, उन्होंने किसी की बजरंग सेना रख दो, किसी ने किसी सेना रख दो, किसी ने कहीं फलानी सेना रख दो। एक सामूहिक नाम निकल के आया, एक उसका नाम था बजरंगदल। 1984 के अंदर हमें बजरंगदल जैसे रामचंद्र जी को सुग्रीव जी भुगत में मिल गए थे पंपा सरोवर पर, इसी तरह विश्व हिंदू परिषद को बजरंगदल फिर में मिल गया। तो बजरंगदल 1984 से काम करने लगा। अब वो काम देश में हो रहा था, बजरंगदल ने और विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू समाज को साथ लेकर 1991 में कार सेवा का जन्म लिया और अयोध्या के अंदर कार सेवा करी, जिसमें हमारे हजारों कार सेवक मारे गए। मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाकर उनको शरण नदी के अंदर भिगवा दिया। 1992 के अंदर फिर कार सेवा का जुम्मा लिया गया और बाबरी मस्जिद को, जो 350 साल का इमारत गुलामी का प्रतीक का ढांचा था, उसको विध्वंस कर दिया गया और एक राम मंदिर का निर्माण कर दिया गया। आज वो राम मंदिर वहाँ राम लला जी विराजमान है और सीता जी के संग उसको एक भव्य रूप दे रहा है, उसका भव्य निर्माण करना है। विश्व हिंदू परिषद इसके लिए लगा हुआ है। अभी कोर्ट का फैसला आने वाला है और कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तो अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष महा भीषण होगा। हमारे महान बंधुओं की और हमारे जीवन मूल्य की रक्षा करने के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। अब हमारे महान बंधु हमारे जीवन मूल्य क्या है, तुम्हारे जो पुरानी संस्कृति को हम भूलते चले जा रहे हैं, जो नई संस्कृति पाश्चात्य देशों की संस्कृति को अपना रहे हैं, उसको याद दिलाने का काम विश्व हिंदू परिषद करती है। और जो देश भावना का जो भाव है वो समाज के अंदर पैदा करती है विश्व हिंदू परिषद। और हमारे जो महान बिंदु है, पांच महान बिंदु हमारे हैं। पहला नंबर माता, जो हमारी माता सुरक्षित रहनी चाहिए, माता बहन हमारी सुरक्षित रहनी चाहिए। पूरे देश के अंदर 10,000 बहनें मुसलमानों द्वारा धर्मियों द्वारा उठाई जाती है और भगाई जाकर उनको शोषण करा जाता है। ऐसे में से 3,000 बहनों को हम बचाते हैं और 7,000 बहन तो चली जाती है, उनको वापिस लाते हैं। गाय माता, दूसरा गाय माता, 1,00,000 गाय कसाईयों द्वारा काटी जाती है, उनको 1,00,000 गाय में से 30,000 गाय कसाई से छुड़ा के उसको संवर्धन किया जाता है। तीसरा मठ मंदिर, हमारे मठ मंदिरों में पुजारी जो गुसाई लोगों में सुरक्षित नहीं है, उनकी हत्या कर दी जाती है। पूरे देश के जो मंदिर है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो विश्व हिंदू परिषद जाके सीधा प्रतिकार करता है। चौथा है मातृभूमि, हमारे देश की जो मातृभूमि है वो 70,000 वर्ग किलोमीटर में थी पहले और घटते 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 32,000 वर्ग किलोमीटर रह गई। विश्व हिंदू परिषद के गठन होने के बाद 1 इंच भूमि किसी माई के नाल भारत से नहीं छीनी है, ऐसे विश्व हिंदू परिषद काम करता है। पांचवा है हमारे धर्मग्रंथ, हमारे धर्मग्रंथ सुरक्षित रहे, गीता का पाठ हो, रामायण का हमारे पाठ्यक्रम का पाठ हो, विश्व हिंदू परिषद इसके लिए कार्य करती है। विश्व हिंदू परिषद धर्मांतरण को रोकती है, जो हमारे हिंदू धर्म जो दूसरे धर्म है विधर्म है वो हमारे धर्म में हिंदुओं को ले जाकर उनको वापिस लाने का काम विश्व हिंदू परिषद करती है। और जो जो जाने के कगार पर है हमारे जो
छोटे छोटे लोग होते हैं उनको लालच दे के और दूसरे धर्मों में ले जाया जाता है, उसको रोकने का विष्णु प्रसाद करती है। और हमारे विष्णु प्रसाद के कार्य है, हम जो मतलब गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से और टाइल्स बनाई जाती है, ऐसी 300 गौशालाएं पूरे भारत के अंदर चल रही है जिसमें